शिवाजी महाराज के किले में पुणे का लाल महल बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने बचपन का बहुत सा समय वहां बिताया था, लेकिन उस पर औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां का कब्जा था। उसके 1,00,000 सैनिक महल में अंदर और बाहर तैनात थे। शिवाजी ने शाइस्ता खां से इस अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिंहगढ़ पर अपना डेरा जमाया। 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी ने मुगल वेशभूषा में 400 चतुर सैनिकों को साथ लेकर सिंहगढ़ से नीचे उतर गए। रात्रि की प्रथम घड़ी में शाइस्ता खां के डेरे पुणे के मुख्य द्वार पर जाकर बताया कि वे मुगल सेना के ही अंग हैं और कार्यरत सैनिकों को विश्राम देने जा रहे हैं, तो बिना संदेह के उन्हें अंदर जाने दिया गया। शिवाजी इस भवन का कोना कोना जानते थे। शिवाजी ने 50 सैनिकों को साथ में लिया। 6 अप्रैल 1663 को रसोई की पिछली निर्बल दीवार में सेंध लगाकर घर में प्रवेश किया। शाइस्ता खां शोरगुल में भागा, परंतु शिवाजी के खड़क के वार से उसकी उंगलियां कट गईं। किले में शिवाजी आया का शोर मच गया। मुगल सैनिक आपस में ही मारकाट करने लगे। शिवाजी अपने सैनिकों के साथ सुरक्षित सिंहगढ़ पहुंच गए। बाद में शाइस्ता खां पुणे को छोड़कर औरंगाबाद भाग गया।